हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने व्हाट्सएप पर किसी भी पर्सनल चैट को हाइड कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना उसको डिलीट किए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए बताने वाला हूँ आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप से। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने व्हाट्सएप में। ये आ चुका है मेरा व्हाट्सएप, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा था। अभी फिलहाल मैं कोई एक चैट सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं फिलहाल ये कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरी कोई पर्सनल चैट है, वैसे होगी नहीं पर्सनल चैट, तो चलिए मैं इसे हाइड करता हूँ। मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, हाइड करने के लिए इस पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। जैसे मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूंगा, ऊपर मेरे सामने एक मेन्यू अपेयर हो जाएगा। इस पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये बॉक्स वाला, मुझे इसे कर देना है। करूंगा, मुझे लिखा आ जाएगा नीचे वन चैट आर्चीव्ड। अभी ये चैट मेरी हाइड हो चुकी है, आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखेगी, आप ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन जब मैं नीचे जाऊँगा, मुझे लिखा आ जाएगा आर्चीव्ड वन, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये मेरी जो चैट आर्चीव्ड हुई हुई है ये आ जाएगी। अब मुझे इसे अनआर्चीव करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से सिंपली से इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से इस पर प्रेस कर देना है। ये वापस से मेरी चैट बाहर आ जाएगी, ये देखिए। इस तरीके से करके आप किसी भी चैट को हाइड कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में, बिना उसको डिलीट किए और बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने किसी चैट को आर्चीव कर रखा और उसको कोई मैसेज आता है, तो वो चैट अनआर्चीव हो जाएगी, मतलब वो चैट आपकी हाइड नहीं रहेगी। फिर अगर उसको कोई मैसेज आ जाता है हाइड करने के बाद, वो चैट आपकी फिर से डिस्प्ले होने लग जाएगी आपके व्हाट्सएप में। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने व्हाट्सएप में से किसी भी चैट को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।